देखिएगा, किसान भाइयों ने लगभग फरवरी से लेकर अब तक का जो गन्ना बोया था और वो बहुत अच्छे से लगा रखा है, बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करी है, अच्छे से ट्रीट करा है। लेकिन उसके बाद एक बरसात हुई है, लगभग 7-8 दिन जो बरसात चली है, उस बरसात में क्या है किसान भाइयों, एक बहुत बड़ा भयंकर रोग आया आपकी बार सबसे ज्यादा, क्योंकि बरसात और टेम्परेचर का तालमेल इतना था कि कभी धूप इतनी ज्यादा हुई और कभी बरसात इतनी हुई। तो एक रोग था जिसका नाम है फोका बोइंग। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये फोका बोइंग का ही रोग है जो आया है, और इससे कोई भी किसान नहीं बच पाया है जिस किसी किसान भाई के खेत में ये ना आया हो। अब इसमें क्या है किसान भाइयों, एक दवाई है कोपर ऑक्सी क्लोराइड, जिसको COC भी कह देते हैं। उसमें क्या है कि सभी किसान भाइयों ने जो लगाई COC, और लगाने के बाद वो 4 से 5 दिन बाद, मैं आपको दिखाऊं, जब इसमें COC लगाई थी, तो लगाने के बाद आप देखेगा ये जो गन्ना है आप देख रहे हैं, ये गन्ना इस प्रकार से निकल गया है, और कुछ बरसात भी हुई है तब भी ये चल पड़ा है, लेकिन ये गन्ना पूर्ण रूप से नहीं चला है। इसको चलाने के लिए हम क्या करें, ये जो आज हम दवाई बताने वाले हैं किसान भाइयों, वो आप जरूर इस्तेमाल करिएगा। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है सभी किसान भाइयों से कि किसान भाइयों, जो भी हमारे चैनल पर किसान भाई नए आए हैं, या जिस किसी किसान भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा निवेदन है उनसे कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसान भाइयों चैनल सब्सक्राइब करने में देखिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है, और आप गन्ना किसान है तो आपको एक अच्छी और सुंदर जानकारी ही मिल सकती है। तो किसान भाइयों, जिस प्रकार आप गन्ना देख रहे हैं, अगर आप ऐसा ही हरा भरा गन्ना चाहते हैं, तो उससे पहले जो हम आज को टॉनिक बताने वाले हैं, वो टॉनिक है किसान भाइयों, देखिएगा ये NPK है 0-52-34, एरिस कंपनी का है, और ये बहुत अच्छा है 0-52-34, जिसमें डाई और पोटाश कहा जाता है। इसमें क्या है किसान भाइयों, ये डाई पोटाश जिस समय लगेगा, एक पत्ती को हरा भरा करेगा और पत्ती खिल जाएगी और गन्ना भी मोटा होगा। इसी के साथ जो दूसरा टॉनिक है किसान भाइयों, ये सिजेंटा कंपनी का है क्वांटिस। इसमें क्या है, काफी माइक्रो न्यूट्रेंट है किसान भाइयों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं कि इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो इसमें दी गई हैं। ये दो टॉनिक ऐसे हैं किसान भाइयों, यही लगाएं। किसान भाई 19-19 लगाते हैं, लेकिन 19-19 ना लगाएं, क्योंकि नाइट्रोजन होता है 19-19 की जो हम लगाते हैं उसमें, और नाइट्रोजन हम अपने यूरिया खाद से दे देते हैं। अगर इसी के साथ अगर कोई आप लगाना चाहते हैं, केवल एक ही दवाई लग सकती है, वैसे तो वो नहीं लगती, तो आप ज्यादा कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक जो दवाई है, ये कीटनाशक है, इसमें क्या है किसान भाइयों, प्रोफेक्स के नाम से आती है और नागार्जुन की कंपनी की है ये। इसमें क्या है कि जो टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें प्रोफीना फोर्स प्लस साइफर मैथेन है। प्रोफीना फोर्स 40% और साइफर मैथेन 4% है इसमें किसान भाइयों। उसमें क्या है किसान भाइयों, ये तीनों चीज ऐसी है, अगर मैं इसकी भी बात करूं, तो इसका जो है, जो पत्ती पे जो तितली अंडे वगैरह देती है, वो सब खत्म हो जाता है, और इसी के साथ आपका गन्ना जो देख रहे होंगे, तो इस प्रकार हरा भरा हो जाएगा। ये लगभग 20 मार्च की बुआई है, और आप देख रहे होंगे इतना अच्छा गन्ना है कि बहुत मोटा है, और यही है किसान भाइयों सबसे अच्छी दवाई है जो आप लगा सकते हैं, क्योंकि गन्ना उगाना एक अलग विधि है, गन्ना जमने के बाद किसान भाइयों अच्छे से ट्रीट करना, और उसको जब तक हम उसकी कटाई करते हैं, उसको अच्छे से हरा भरा करना, और एक लगभग 80 या 90+ उत्पादन लेना बहुत बड़ी कला है। क्योंकि कुछ किसान भाइयों का जो गन्ना खेत है, उन्होंने अच्छा मेंटेन तो कर दिया, साफ सफाई भी अच्छी रखते हैं, नुलाई जुताई करी है, लेकिन उसके बाद क्या है किसान भाइयों कि जो गन्ना है वो फोका बोइंग की वजह से बहुत ज्यादा ग्रसित है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक इसमें था, देखिएगा ये जो इस प्रकार जो फोका बोइंग था, ये यहीं रह जाता है और इसकी लंबाई रुकती है, ये बोना रह जाता है। तो किसान भाइयों अगर जानकारी अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी के साथ आप देख रहे थे कुलदीप के साथ खेती और किसान की बात। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार।